वेलकम बैक एवरीवन टू स्मार्टी पाई रिएक्ट्स। आज के दिन हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं माइनक्राफ्ट की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल औरत के ऊपर, और उस औरत का नाम है क्वीन जैस्मिन। और ये क्वीन जैस्मिन तुम लोगों को माइनक्राफ्ट के अंदर कहां देखने के लिए मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे स्मार्टी पाई के वर्ल्ड हेमलैंड्स के अंदर। देख रहे इसको कितनी ज्यादा क्यूट है ये मुंह के सामने, और जिस बंदे ने भी थंबनेल बनाया ना वो बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव आदमी है। देखो भाई ऐसा लग रहा है कि मैं इसको यहाँ पे एक्चुअली फूल देकर पटाने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि मैं तुम लोगों को पहले स्पॉयलर्स देना चाहता हूँ, मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो लास्ट टाइम मैंने तुम लोगों को बोला था कि क्वीन जैस्मिन के ऊपर तुम लोगों को मनगढ़ंत कहानी टाइप बनाकर रियल क्वीन माइनक्राफ्ट हैशटैग का यूज करके वीडियोस अपलोड करने यूट्यूब पे, और मैं उस पर रिएक्शन देने वाला हूं। तो आज वो दिन फाइनली आ चुका है गाइस, आई एम सो एक्साइटेड। आई गेस ऑलमोस्ट 450 वीडियोस अपलोड हुई है, व्हिच इज अ बिग नंबर, बिकॉज मैं सबके ऊपर रिएक्शन तो दे नहीं सकता हूं, बट कुछ कुछ के ऊपर हम लोग रिएक्शन देंगे, बाकी तुम लोग खुद से चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस इफ यू गाइस एक्साइटेड लीव अ लाइक, वीडियो का लाइक एंड जरूर कंप्लीट करना गाइस इस बार 200,000 लाइक्स का। आई हैव नो आईडिया व्हाई, बट तुम लोग आजकल गायब हो चुके, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। एंड गाइस आज हम लोग जिस पहली वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले वो है हमारे फनी भी चैनल की, तो इसको जरूर तुम लोगों ने जाकर चेकआउट करना, सब्सक्राइब भी करना। एंड मैं पहले तुम लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, पिछले वाली हिमलैंड्स की जो हमारी रिएक्शन वीडियो थी ना गाइस, उसमें भी मैंने इनके चैनल की एक वीडियो के ऊपर रिएक्शन दिया था, बट मैंने शाउट आउट किसी और चैनल को दे दिया था, सो दैट वाज माय मिस्टेक, तो मैं उसके लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ तहे दिल से। एंड गाइस टैग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस एक विलेज होता था जिसके अंदर यार एक सबसे सुंदर एंड हैंडसम मैन रहता था जिसका नाम था प्रिंस ओडिन। ओके, मतलब बेसिकली स्टोरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले बंदे ने बोल दिया हम लोगों को कि जो प्रिंस ओडिन था, जो बेसिकली हमारे हेमलैंड्स के वर्ल्ड का लाइक वन ऑफ द मोस्ट इविल किंग है, जिसको मैंने आज तक देखा नहीं कभी भी, वो हैंडसम है। ओके लेट्स सी, जिसका नाम था प्रिंसेस मिथिला। और भाई वेट व्हाट, वेट वेट वेट, क्या इसने वही बोला जो मैंने सुना? उसका नाम था प्रिंसेस मिथिला। प्रिंसेस मिथिला यार, तुम लोगों को पता होगा मिथिला कौन है। मिथिला हमारी ये है, ये हमारे मिथपैड भाई साहब, जिनके जो ये फीमेल कैरेक्टर है इसका नाम मिथिला है। तो आई डोंट नो कि इन भाई साहब ने यहाँ पे मिथिला वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया, बिकॉज हमारे प्रिंसेस का नाम है प्रिंसेस जैस्मिन, क्वीन जैस्मिन बेसिकली। लेट्स सी मैन आगे क्या होता है। उस प्रिंसेस मिथिला को सभी लोगों ने वोटिंग में चुना और उसको भाई विलेज की महारानी बना दिया था। ओके, महारानी थी वो, जो भी ऑर्डर देती थी सबको करना पड़ता था। ऑफ कोर्स, और वो भाई अपने भाई हुक्म चलाती थी और सबके ऊपर भाई बहुत ही ज्यादा वार करती थी और सबके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती थी, पर लोग उसको कुछ भी नहीं कहते थे क्योंकि भाई वो सबके दिलों के ऊपर राज करती थी। और वेट 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 अ सेकंड, मेरे को यहाँ पे इस वीडियो को अभी यहाँ पे रोकने की जरूरत पड़ी है। अभी फनी भी भाई साहब ने बोला कि वो जो प्रिंसेस मिथिला थी वो एक्चुअली क्वीन बनने के बाद अपना राज चलाती थी, अपनी मनमानी करती थी, किसी की बात सुनती थी, बट लोग उसको कुछ बोलते भी नहीं थे क्योंकि उनके दिलों पे राज करती थी। मतलब ये कैसे हो सकता है? सपोज करो गाइस अगर मैं तुम लोगों के दिलों पे राज करता हूँ, लाइक दिलों पे राज नहीं करता हूँ, सपोज करो मैं तुम लोगों के ऊपर लाइक बहुत ज्यादा क्रूर हूँ, मैं तुम लोगों के ऊपर अपना राज चला रहा हूँ, मैं अपनी मनमानी कर रहा हूँ, बट तुम लोग मुझे कुछ बोलते नहीं क्योंकि मैं तुम्हारे दिलों पे राज करता हूँ। थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन वाला फ्रेज है वाला, बट लेट्स सी मैन आगे क्या होता है यार। मतलब कहने की बात यह है कि क्वीन जैस्मिन हमारी ऑलराउंडर है इस स्टोरी के अकॉर्डिंग, बुरी भी अच्छी भी है। तो भाई अभी यार जो अपना प्रिंस ओडिन था वो बहुत ही ज्यादा भाई उसे सड़ता था कि भाई ऐसे मतलब सभी लोग इससे परेशान है। और भाई जो प्रिंस ओडिन था वो यार सड़ता हुआ क्या होता है यार, मुझे बताओ जरा। प्रिंस ओडिन उसे बहुत ज्यादा सड़ता था, आई डोंट नो मैन, लाइक इस टाइप का जो क्या बोलेंगे उसे स्लैंग होता है ना, हम लोग यूज नहीं करते, इसलिए मेरे को हंसी आ गई यार। आई गेस तुम लोगों के लिए शायद से नॉर्मल होगा। और भाई जो प्रिंस ओडिन था वो चाहता था कि मैं उस विलेज का राजा बनूं, सबकी सेवा करूं। तो भाई जो प्रिंस ओडिन है वो जाता है एक तंत्र मंत्र के पास जिसका नाम था विजर्ड। भाई वो ऐसा बाबा था जिसके पास सभी चीजों का पोषण दे, और भाई विजर्ड एक ऐसा राजा है जिसके पास सभी चीजों का जुगाड़ है। हाँ हाँ वो तो सही बात है। और विजर्ड को कहता है कि मुझे एक ऐसा पोषण दो जो कि मैं प्रिंसेस मिथिला के ऊपर मारूं और भाई उसका स्किन जैसी एलियन की तरह हो जाए। और भाई यार जो विजर्ड था उसने कहा कि मुझे 500 करोड़ डायमंड चाहिए। तो भाई व्हाट, कितने डायमंड ब्रो, 500 करोड़ अगेन हो जाए। और भाई यार जो विजर्ड था उसने कहा कि मुझे 500 करोड़ डायमंड चाहिए। तो भाई यार जो अपना प्रिंस ओडिन है वो बहुत ही ज्यादा पैसा था क्योंकि भाई वो प्रिंस था। उसने कहा कोई ना भाई मैं तेरे को 500 करोड़ डायमंड दे दूंगा। तो भाई जैसे उसने डायमंड दिए उसने उसको पोषण दे दिया। और भाई यार जो अपना प्रिंस ओडिन उसने क्या करा कि वो भाई मंत्री है उसके पास जाता है और उसको कहता है कि मैं तुझे मुंह मांगी कीमत दूंगा पर तुझे विलेज में एक बात फैला देती okay. है कि जो अपनी प्रिंसेस मिथिला है वो एक एलियन है। वो कहता ठीक है। तो अगले दिन पूरे गांव में बात फैल गई कि जो प्रिंसेस मिथिला है वो एक एलियन है और जो अपना प्रिंस ओडिन है वो मिथिला प्रिंसेस के पास जाता है पूछने के लिए कि सभी लोग ऐसे बात फैला रहे हैं। तो वो उसे बताने लगे सब फेक है। तो भाई जैसे वो बात बताती है अपना प्रिंस ओडिन उसके ऊपर पोषण फेंक देता है और वो भाई सच में एक एलियन की तरह दिखने लग जाती है। और भाई उसको सभी गांव वाले भाई चप्पलें मार के भाई गांव से बाहर निकाल देते हैं। और यार
इतनी फनी बात क्यों करते लास्ट में आ रहे बच्चा यार, बहुत ज्यादा अमेजिंग स्टोरी है बाय द वे, बट ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा फनी था यार, कि लास्ट में गांव वाले क्या करते हैं, चप्पले मार मार के उसको इनको अपने विलेज से भगा देते हैं यार। राजा बना देते हैं और जो भाई अपने प्रिंसेस मिथिला है वो गांव से बाहर निकल जाती है और एक जंगल में रहने लग जाती है, और जो प्रिंस ओडिन है वो सभी को बता देता है प्रिंसेस मिथिला यहाँ पर रहती है इस जंगल के अंदर, और सभी विलेजर जो भी भाई उसके बेस के पास जाता है वो सभी को पोशन या फिर भाई अपने कुछ हथियारों से मारकर भगा देती है। और गाइस यहीं पे खत्म होती है अपनी प्रिंसेस मिथिला की स्टोरी। ऑलराइट, तो गाइस मुझे ये स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद आई, लेकिन गाइस जो ये स्टोरी है ना, ये स्टोरी हमारी मेन हिमलैंड्स की स्टोरी को एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्ट करती है, बिकॉज हमारी स्टोरी के अकॉर्डिंग, जो रियल स्टोरी है हमारी हिमलैंड्स की, उसके अकॉर्डिंग प्रिंस ओडिन, यू नो जो किंग ओडिन है, वो इससे शादी करना चाहता था, इसने मना किया, दैट्स व्हाई उसने गुस्से में आके जेलसी के मारे कि किसी और से शादी कर लेगी, उसको बदसूरत बना दिया विजर्ड को बोल के कोई एक ऐसा पोशन ला और उसके ऊपर मार दे। बट इस स्टोरी के अकॉर्डिंग जो क्वीन जैस्मिन थी वो बुरी थी, एंड जो हमारा किंग ओडिन था वो सड़ता था उससे, एंड दैट्स व्हाई उसने विजर्ड को बोला पोशन मार दे, मंत्री को बोला बात फैला दे कि ये चुड़ैल है या फिर लाइक एक एलियन है, एंड देन वो उसके पास जाकर बोलता है कि भाई ऐसे ऐसे अफवाह फैल चुकी है, वो बोलती है झूठ है, एंड देन उसके सामने सामने वो उसके ऊपर एक पोशन फेंक देता है, एंड दैट्स हाउ वो बदसूरत बन जाती है। सो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है मैन, इस स्टोरी को मैं देने वाला हूँ 9 out of 10, काफी ज्यादा अच्छी स्टोरी थी। तो अगली वीडियो जो हम लोग देखने वाले वो देखने वाले इस चैनल के जिसका नाम है कालू गेमर्स, मुझे काफी ज्यादा पसंद है भाई आपका नाम, एंड मैंने सब्सक्राइब कर देगा, तुम लोग भी सब्सक्राइब जरूर करना, चेकआउट हिज चैनल एंड लेट्स टॉक। ये बात है करीबन 100 साल पहले की, लेट्स गो 100 साल पहले की, दो विलेज हुआ करते थे, उन दोनों विलेज का अलग राजा या रानी था, और एक नहीं एक सेकंड को, उन दोनों विलेज का अलग राजा या रानी था, ऐसा क्यों भाई, या तो राजा था या तो रानी था ना, स्पेसिफिक ब्रो डिटेल्स, ये स्टोरी में मजा का बात है, छोटी छोटी डिटेल्स एकदम बारीकी से डिजाइन होनी चाहिए वो, बट से लेट्स सी आगे विलेज का था किंग ओडिन और दूसरे विलेज की रानी थी जो ये क्वीन थी हल्क जैसी थी। भाई ऐसी बेइज्जती नहीं कराते यार, मतलब थोड़े थोड़ी नजाकत के साथ बोलो यार, क्वीन जैस्मिन जो क्वीन हल्क जैसी थी भाई, नो नो बिल्कुल नहीं भाई, ये रानी थी दूसरे विलेज की, और गाइस जो किंग ओडिन था ये रानी थी ना, इसे शादी करना चाहता था क्योंकि आप लोगों को पता होगा ये क्वीन है ये काफी ज्यादा सुंदर थी, इसलिए जो किंग ओडिन था ये इससे शादी करना चाहता था। सो फिर किंग ओडिन जाता है इस क्वीन के पास और बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, यानी विल यू मैरी मी, तो मना कर देती है साफ साफ, और मना क्यों करती है गाइस, उसका भी एक रीजन था, जो विजर्ड था वो किंग ओडिन के नीचे काम करता था, और जो विजर्ड था नीचे मतलब क्या भाई, ये बंदूक था इस रानी के साथ, ये जो क्वीन थी इसके साथ भी विजर्ड ने स्कैम किया था, वो पता ही किया था, क्योंकि गाइस ये विजर्ड था ये पहले बंदों के साथ पीस से रहता था, खूब उनके लिए काम करता था यानी विजर्ड, लेकिन फिर बाद में जाके धोखा दे देता है, यानी इन बंदों को मारना चाहता था और उसी वर्ल्ड में कब्जा करना चाहता था, और गाइस इस विजर्ड ने इस क्वीन के साथ भी यही स्कैम किया था एक बार, इसलिए ये शादी नहीं करना चाहती थी, नहीं तो तैयार थी शादी करने के लिए। दिस इज द ट्विस्ट दैट आई वांटेड मैन, ये ट्विस्ट देखो तुम लोग यार, किंग ओडिन से ये शादी करना चाहती थी, लेकिन किंग ओडिन के लिए काम करता था हमारा विजर्ड, और इसको पता था कि विजर्ड एक स्कैमर है, इसलिए इसने बोल दिया कि भाई तेरा जो ये साथी है ये स्कैमर है एक नंबर का, और इसने मेरे सभी पास्ट में स्कैम किया था, इसलिए मैं तुझसे शादी नहीं करूंगी। आई लाइक दिस स्टोरी सीरियसली, लेकिन इसने मना कर देती है, और जो किंग ओडिन था वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि गाइस इतने बड़े राजा से कोई मना कर दे शादी करने से, किंग ओडिन बोलता है विजर्ड को तू जा और इसके लिए कुछ सजा ढूंढ के ला, यानी कि कुछ भी ला सकता है। सो गाइस जो फिर विजर्ड जाता अपनी ट्राई बोतल में, जी हां गाइस अपनी ट्राई बोतल में जाता है, और विजर्ड कम से कम 10 से 15 दिनों तक एक ऐसी सजा ढूंढता है, क्योंकि गाइस जो विजर्ड था उसे भी अपना एक बदला लेना था, जो पिछला बदला था वो विजर्ड को लेना था, इसलिए विजर्ड ने इतनी मेहनत करके कठिन से कठिन सजा रखी, जिससे कोई भी बंदा जो ये क्वीन थी इससे शादी नहीं कर पाए, इसलिए जो विजर्ड था ऐसी सजा ढूंढ के लाता है, यानी कि इसे बना देता है, इसलिए जो ये क्वीन थी ये किसी को भी देख के पसंद तो नहीं करती थी, लोग भी इसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ये हल्क जैसे दिखती थी। यार इस बंदे ने ऐसा ही लग रहा, तुम लोगों को फील नहीं हो रहा कि ये जो भाई साहब है कालू गेमर्स भाई, इसको मतलब पर्सनल दुश्मनी है भाई इस क्वीन से, ये हल्क जैसी दिखती थी इसीलिए इतनी बदसूरत थी कि कोई इसको देखता नहीं था। और गाइस जो किंग ओडिन था इसे जो क्वीन थी इसे हिमलैंड्स में हमेशा हमेशा के लिए कैप्चर कर देता है, और गाइस जो किंग ओडिन थी इसके नीचे भी एक बंदा काम करता था जो हिमलैंड्स में ही रहता था, उसका नाम था
इनविजिबल मैन। सो फिर गाइस जो एक क्वीन थी इनविजिबल मैन को बोलती है कि मुझे इस सदा से मुक्त करो कैसे भी करके, मेरे पास नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे मुक्त होना है। सो गाइस जो इनविजिबल मैन था उसे सब कुछ पता था कि इस सदा से कैसे मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि गाइस जो यस मार्टिफाई अपनी स्किन को फेड हो गई थी उसको भी ठीक करने गए थे, तो जो इनविजिबल मैन था ये यस मार्टिफाई को स्पाई करके देखता था, इसलिए जो इनविजिबल मैन था इसे सब कुछ पता था। और इनविजिबल मैन ये भी जानता था कि यस मार्टिफाई जो हुगा लाला के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यानी अपनी जान भी दे सकते हैं माइनक्राफ्ट में नहीं वाला इतना भी नहीं हुगा लाला के लिए। तो फिर जो इनविजिबल मैन था वो जाता है हुगा लाला के पास और हुगा लाला को एक ऐसा शॉट मारता है जिससे हुगा लाला की आंखें खराब हो जाती है। इनविजिबल मैन को पहले से ही पता था जो हिमलैंड्स के विलेजर है वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है कि ये हमारे पास जरूर आएंगे, यानी कि जो क्वीन थी हल्क जैसे दिखने वाली उसके पास क्वीन जैस्मिन बोल दो भाई जरूर आएंगे, यानी कि एक बार तो बोल सही करानी है तो उनके पास ही जाना पड़ेगा, जो क्वीन थी उसके पास ही जाना पड़ेगा। और यस मार्टिफाई ऐसा करते भी है। फिर फाइनली क्वीन ठीक हो जाती है और जो हमारा हुगा लाला था जिसे हम लोग बहुत ज्यादा प्यार करते थे वो भी ठीक हो जाता है। सो गाइस आज की स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। सो बेसिकली इस स्टोरी के अकॉर्डिंग मैं तुम लोग को समाप्त करके बता देता हूँ। क्वीन ने जानबूझ के शादी नहीं करी बिकॉज यू नो विजर्ड स्कैमर था और विजर्ड ओडिन के लिए काम करता था, इसलिए क्वीन ने बोला कि ओडिन तुझसे मैं शादी नहीं करूंगी, तेरा दोस्त स्कैमर है। लेकिन किंग ओडिन को गुस्सा आता है, उसको बदसूरत बना देता है अपनी क्वीन जैस्मिन को, एंड वो बदसूरत होती है तो वो क्या करती है, एंड जब वो बदसूरत बन जाती है गाइस तो उसके बाद वो इनविजिबल बंदे से हेल्प लेती है, एंड इनविजिबल बंदे को पता होता है कि हो गया लगा करोन मेरा बहुत ही जिगरी यार है भाई, दिल का टुकड़ा है मेरा, तो वो उसको अंधा बना देता है शॉट मार के ताकि मैं उसकी आई साइड को ठीक करने के लिए उस क्वीन जैस्मिन के पास जाऊं, एंड देन मैं उसको लेके उस प्योर लेक के पास जाऊं, बिकॉज सिर्फ उसे मुझे रास्ता पता है, उस इनविजिबल एंटिटी को रास्ता नहीं पता। अब तो बेसिकली वो चीज रिवील हो चुकी है कि वो इनविजिबल बंदा कौन है, वो है हमारा हुला लाला, एंड वापस क्यों आया तुम लोगों को नेक्स्ट हिमलैंड्स की वीडियो में पता चल जाएगा, जो कि आई गेस इस वीडियो के एक दिन या दो दिन के बाद अपलोड हो जाएगी पक्का। फिर ये स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, इसमें एक इनविजिबल बंदा भी घुसा दिया, एंड स्टोरी के अकॉर्डिंग क्वीन जैस्मिन एंड जो इनविजिबल बंदा वो एक दूसरे को जानते हैं, जो कि नहीं जानते टू बी ऑनेस्ट, बट इस स्टोरी के अकॉर्डिंग वो एक दूसरे को जानते हैं, एंड उन दोनों ने मिलकर मेरे साथ स्कैम किया। तो बेसिकली सिर्फ विजर्ड स्कैमर ने इस स्टोरी के अकॉर्डिंग, ये दोनों भी स्कैमर है, वो क्वीन भी स्कैमर है। सो या गाइस इस रियल स्टोरी वाली वीडियो में इतना ही, एंड गाइस नेक्स्ट स्टोरी तुम लोगों को पता है किसके बारे में बनानी है ना, मैं बताता हूं। देखो अभी इस वक्त यहां पे रिवील हो चुका है कि वो इनविजिबल बंदा कौन है, वो है हुला लाला, ठीक है ना, लेकिन तुम लोगों को उसको इमेजिन करना है कि अभी तक वो रिवील नहीं हुआ है कि वो हुला लाला है, तो तुम लोग उस इनविजिबल एंटिटी के ऊपर स्टोरी बनाओ बाय यूजिंग दिस हैशटैग रियल इनविजिबल एंटिटी। इस हैशटैग का तुम लोगों को इस्तेमाल करना है और वीडियो को अपलोड करना है मनगढ़ंत कहानी बनाते हुए, सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों ने उसको हुला लाला यू नो एंड में साबित नहीं करना है कि वो वही है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपनी वीडियो में दिखा दिया है। कुछ भी और कर सकते हो तुम लोग, वो क्यों आया, क्यों हमें मार रहा है, क्यों उसने विजर्ड को कैप्चर किया, एंड क्यों उसने लाइक जब हुगा लाला को शॉट मारा था वो अंधा हो गया, ये सब कुछ तुम लोगों को यू नो मनगढ़ंत कहानी में बताना है। एंड गाइस तो कुछ चीजों को तुम लोगों को इस्तेमाल करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यार बैकग्राउंड म्यूजिक यूज मत करो, सेकंड ऑफ ऑल माइक यू नो लाइक ऐसे बहुत दबे दबे मत बोलना, ऐसे बोलना ऐसे कॉन्फिडेंटली जैसे इस बंदे ने बोला था एकदम बढ़िया से। तीसरा जब गेम प्ले यूज करते हो ना भाई तो एकदम हाई क्वालिटी का करो, लाइक 1080 पिक्सल का, और ऐसे पार्कोर वाले करो जो इसने किया हुआ है, वो जो स्टोरी मोड वाले होते हैं ना माइनक्राफ्ट के यूट्यूब पे जो ऑलरेडी अपलोड होते हैं, तुम लोग उसका इस्तेमाल करोगे तो कॉपीराइट मुझे आ सकता है भाई, तो मेरा चैनल जा सकता है, डिलीट हो सकता है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे साथ। तो इस टाइप के पार्कोर वाले 1080 पिक्सल के करो, 1080 पिक्सल में वीडियो को अपलोड करो, ऐसा नहीं किया ना को 360 पिक्सल में कर दिया तो मेरी वीडियो की क्वालिटी लूज हो जाती है। सो गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप लोगों को वीडियो कैसे लगे, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, इस वीडियो का लाइक इस बार तुम लोग जरूर कंप्लीट करोगे 200,000 लाइक्स का, और मैं मिलता हूं आप लोगों से ऐसी धार्मिक वीडियो पर। बाय बाय।